जब कोई ना सुने तो हमें चुने, हम दिखाएंगे आपकी समस्याओं को, समस्या हो कैसी भी रजत एक्सप्रेस न्यूज की टीम आपके पास पहुंचेगी और आपकी समस्याओं को पहुंचाएगी शासन प्रशासन तक। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं रजत एक्सप्रेस न्यूज। स्वतंत्रता दिवस को आखिर किस तरह से विद्यालय बना रहे हैं, इसको दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। इन्हीं सबको लेकर आज राजधानी के चर्चित विद्यालय डीसी कॉन्वेंट स्कूल में हमारे साथ प्रबंधक है निशु गुप्ता साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे आज किस तरह से स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं? आज देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस है। आज इस विद्यालय में विभिन्न रूप से सैनिकों का सम्मान किया गया, उनके सम्मान में गीत गाए गए, कार्यक्रम हुआ और देशभक्ति के गीत गाए गए। और मैंने जो है गार्जियन को, बच्चों को, टीचर्स को संबोधित किया कि इस दिवस को हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत से प्राप्त किया है, जो आप हम इस स्थान पर हैं, है ना। और झंडारोहण के बाद सबको देशभक्ति की सीख दी गई, शिक्षा की सीख दी गई, फिर इसको आचरण की सीख दी गई। अच्छा सर, बच्चों को अच्छा सर क्या कहना चाहेंगे जो अभिभावक है, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे इस आज़ादी के जश्न? मैंने अपील किया है गार्जियनों से कि अपने बच्चों को बाहरी बुराइयों से बचाएं, बाहर खेल कूद में न मन लगाएं, पढ़ाई में ध्यान दें, क्योंकि बाहर बड़ी बुराइयाँ पनप रही हैं। इसलिए अपने बच्चों पर हमेशा नज़र रखें और भाईचारे का व्यवहार सिखाएं। स्वतंत्रता दिवस पर सर क्या बधाई देना चाहेंगे, क्या कहना है? हम स्वतंत्रता दिवस को बहुत बधाई इस देना चाहते हैं कि वो देश के लिए यानी अपने अध्ययन के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से सबको अग्रसर करें। मैंने एक प्रपोजल रखा है कि नवंबर या दिसंबर में किसी तिथि में बड़े जगह पर हम एनुअल फंक्शन करेंगे। आज हमने बच्चों को जो हाई स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन लाए थे विद्यालय का, उनको सम्मानित किया और उनको पुरस्कृत किया, मेडल्स मिले सर, मेडल्स दिया है। बहुत बधाई। ठीक है सर, बहुत बधाई। तो ये थे हमारे साथ संस्थापक सर, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से विद्यालय इस स्वतंत्रता दिवस को मना रहा। अभी कुछ तस्वीरें हैं जो आपको दिखाते हैं कि राजधानी के चर्चित विद्यालय ने आखिर किस तरह से स्वतंत्रता दिवस को अलग अंदाज में मनाया।